मॉर्निंग, मैं आ गई हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त नीता। सुबह शुरू हुई एकदम बारिश का मौसम से, अंधेरा भी हो गया था। मतलब सुबह ऐसा लग नहीं रहा था कि सुबह का 8-9 बज रहा है। अभी थोड़ा सा क्लियर है तो इतना ठंडा भी लग रहा था, फिर भी मैं उठी, नाश्ता मैंने बना लिया, फिर मैं फ्रेश हो गई, आयुष का क्लास भी खत्म हो गया, तो ऑलमोस्ट बहुत सारा काम हो गया है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। शुरू होते साथ हम लोग भी सोचने लग जाते हैं, हाँ आज का पहला काम जो कि है नाश्ता बनाना, क्या नाश्ता बनेगा जो कि पिछला 2-3 दिन में शायद नहीं बना हो। आज मैंने जो बनाया है वो है दलिया, मीठा दलिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ले लिया मीठा दलिया अपने लिए ना। तो मेरा नाश्ता होता है थोड़ा बाद में। अभी मम्मी जो है थोड़ा सब्जी काट रही है, अभी तक हुआ नहीं है। और पत्तन जो है, और ये मैंने निकाल लिया केला, और जब तक मेरा दाल भून रहा है तब तक मैं ये केला काट रही हूँ। तो कुकर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है क्योंकि कल जो मैं टमाटर को जो एकदम उबाल के जो रेडी करके रखी थी वो मैं दिखाती हूँ आपको, उसको मैंने प्यूरे बना दिया। देखिए अब मैं क्या करूँगी, तो यहाँ मैंने बिठा दिया कढ़ाई, इस प्यूरे को ये कढ़ाई में डाल दूँ, ये जो है अभी थोड़ा सा पकेगा। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर मैं केला को जो है चिप्स बना रही हूँ। तो ये थोड़ा सा सॉस जो है मेरी गर्म हो गई है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ अभी चीनी, और मैं डाल दूँगी इसमें नमक और एक चीज ये विनेगर। इसको हम लोग अच्छे से फैलाएंगे जब तक ये सॉस के कंसिस्टेंसी जैसी नहीं बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने और एक कढ़ाई बिठा दिया है और मम्मी ने भी जो है ये सब्जी काट दी, तो इसको मैं बैठा दूँ। हम लोग जो है मतलब समय की बचत कैसे करते हैं अपने अपने स्टाइल से, एक साथ जो है 2-3 काम हो जाए तो अच्छा लगता है, टाइम रहता है अपने लिए, थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं। अदरवाइज अगर एक एक करके करेंगे तो पूरा दिन रात किचन में रह जाएंगे और निकलना ही नहीं होगा कहीं। बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि घर का काम है, घर का काम तो वो ईजी है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। बट जो लोग घर का काम करते हैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, उनको ही पता है कि हाँ एक परिवार का जिम्मेदारी क्या होता है। तो सब्जी तो मैंने बिठा दी और यहाँ पे मेरा सॉस का क्या कंडीशन है और आप लोगों को दिखा देते हैं, एकदम लाल है ना। मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, फिर भी आप लोग देखिए इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको मैं अभी ठंडा करने के लिए फिर से रख दूंगी, और जो है जब ये ठंडा हो जाएगा कोई अच्छा सा मतलब जार में रख दूंगी, फिर चलेगा। ज़्यादा दिन नहीं चलता है वैसे, मतलब कितना दिन जाएगा, 10 दिन मैक्सिमम, बस उतना ही। तो आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ, आप रे दोनों एकदम देख रहा है एकदम एक हिस्से ना। तो कि ऐसे होता है मेरे घर में, मतलब कार्टून भी दोनों देखेंगे साथ में, और जो है ये माइथोलॉजिकल जो सीरियल्स हो गए वो भी देखेंगे दोनों। मतलब एक बार दादी जो है वो पोते को समझाती है, और पोता जो है एक बार दादी को समझाती है, दादी पता है ये ना ये नहीं ना वो नहीं था। मैं खाली यहाँ से देखती हूँ, किचन से जो डायरेक्ट दिखता है तो मैं खाली देखते रहती हूँ उसके दोनों क्या कर रहा है। इससे एक चीज अच्छा है कि दिखता रहता है कि आई आपके सामने है। कल है सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा जो है मेरे घर में 2 जगह होती है, एक है मेरे घर में जो मैं आयुष के लिए करती हूँ, और एक होता है हम लोगों का छत पे जो अपार्टमेंट की तरफ से होता है, वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आता है। सब लोग आते हैं जो जो अलग अलग फ्लैट के रहने वाले, और हम लोग सबको ही मिल के जो है पूजा का काम, पूजा का तैयारी सब करते हैं। तो अंकल आए थे बोलने के लिए, तो कल सुबह मुझे जल्दी उठना है और जो है वो सब तैयारी करना है, घर का भी पूजा का काम करना है और छत में भी जाकर
जाके पूजा का तैयारी में मदद करना है। तो वही जाऊंगी, शाम को जाके भी थोड़ा सा करके आऊंगी और बाकी जो है कल करूंगी। खाना तो बन गया और मम्मी को भी दे दिया, मम्मी भी खा ली और मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। चलिए ऐसा, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं कहाँ आई हूँ वापस अपना छत। कल होने वाला है सरस्वती पूजा और पूजा के लिए यहाँ है पंडाल बन चुका है। कल यहाँ पे पूजा होने वाला है और चारों तरफ जो मौसम है सुहाना मौसम अच्छा लग रहा है। छत में घूमते घूमते बारिश शुरू हो गई तो मुझे फिर जल्दी से दौड़ दौड़ के फिर घर भी जाना पड़ा। जो भी अच्छा है, कल सुबह सुबह जो है पूजा शुरू हो जाएगी तो पूजा सुबह आके जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हमारे जो इस फ्लैट की जो सरस्वती पूजा है वो कैसी होती है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और जो है हम लोग अभी चाय पी चुके हैं, आप लोगों को दिखा देंगे आयुष और संजय क्या है। आयुष क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहा हूँ। कल सरस्वती पूजा इसीलिए। संजय थोड़ा सा बिजी है, तो संजय इसलिए बिजी है क्योंकि संजय जो है मेरे लिए सिलीगुड़ी का टिकट काट रहे हैं। हाँ संजय, यार तुमको जाना है मार्च मार्च है हाँ। तो जिस डेट का तुम बोल रहे हो हाँ। उनका तो आरएसी है, अवेलेबल तो नहीं है, कंफर्म हो जाएगा तुम काट दो। घर जाना है भाई, घर जा काट दो, पक्का है कंफर्म हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ कंफर्म हो जाएगा। सिलीगुड़ी जाने का टिकट काट रहा है, मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है। सॉरी कंफर्म नहीं है, टिकट कट चुका है। अच्छा ठीक है दोस्तों, टिकट तो मैंने काट दिया। हाँ दिल्ली टिकट कटने से ना एक बार हाँ लगता है क्या, अब मैं जाने वाली हूँ घर। मुझे भी कुछ मम्मा की तरफ से पूछना है। क्या? मम्मा को फाइनली तो ब्रेक मिलने वाला है। ओ, और तुमको? मुझे भी तुझे मेरे साथ खेलना मिलेगा। और फाइनल एग्जाम के बाद अगर अपना ननिहाल जाने मिले है ना सुनने, फाइनल एग्जाम के बाद जो ननिहाल जाने मिले उस वो एक खुशी जो है मुझे लगता है कि दुगनी होती है ना। मैं बहुत मिस करती थी क्योंकि मेरा जो था मेरी मतलब सिलीगुड़ी में ही है सारे रिलेटिव्स, तो ऐसे वेकेशन कुछ नहीं होता था। अच्छा है आयुष के लिए फिर दूर में है, अभी खाली दिन गिनते और मैं अभी खाना निकाल रही हूँ। तो मैंने तो खाना निकाल लिया, चलिए खाते खाते बात करते हैं। तो जो मैं आज खाने में बनाई थी ये है मिक्स सब्जी और ये है मेरा सॉस जो मैंने बनाई थी और रोटी। तो मैं तो अभी खाना खाऊंगी, आज थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह थोड़ा जल्दी उठना है। मतलब अपार्टमेंट का जो पूजा है वो है छत में, मुझे भी मतलब तैयारी में थोड़ा सा मदद करना है और साथ ही साथ जो है मुझे घर में भी करना है, तो दोनों काम रहेगा। सुबह सुबह पता नहीं सुबह मैं कितना टाइम मिलेगा, और उसके लिए मैंने मतलब तैयारी भी कर ली, अपना कपड़ा आयुष का कपड़ा सब निकाल के रखती हूँ और बाकी पूजा का सामान भी मैंने ला लिया। तो कल सुबह उठना है और जल्दी जल्दी करना है। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा, और आ रहा है तो मेरे साथ ज़रूर ज़रूर बनी रहिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।